हेलो दोस्तों, तो कैसे आप? आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। आज रहेंगे उसके केस स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये रहेंगे टॉप थ्री केस स्टडीज। और पहला केस स्टडी आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक हॉट एयर बैलून है, ठीक है। इज ए टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, इट इज लिफ्टेड बाय द हीटिंग एयर इनसाइड द बैलून, ठीक है। इसके बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ते जाओ क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद क्या लिख रहा है, कह रहा है हॉट एयर वेट लेस देन सेम वॉल्यूम ऑफ कोल्ड एयर। ये आपको पता है कि हायर से लोअर जाता है, तो इसमें उसके बाद थोड़ी सी साइंस के बारे में बताया, हॉट एयर विल राइज अप और फ्लोट व्हेन देयर इज कोल्ड एयर अराउंड इट, ठीक है ना। प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट किया जाए, जस्ट लाइक ए बबल ऑफ एयर इन ए पॉट ऑफ वाटर, द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड द कोल्ड द ग्रेटर द डेंसिटी द डिफरेंस इन द डेंसिटी एंड स्ट्रॉन्गर द बैलून विल पुल अप, ठीक है। तो ये कुछ हमें केस स्टडी दिखाई हुई है। तो ये दिया हुआ है कि कह रहे हैं लक्ष्मण इज राइडिंग ऑन ए हॉट एयर बैलून, लक्ष्मण एक हॉट राइडिंग बैलून के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। ये बताया हुआ है हमें, लक्ष्मण है कोई बंदा। आफ्टर रीचिंग ए हाइट एक्स, आफ्टर रीचिंग ए हाइट एक्स, पहले हम छोटा सा ऐसी डायग्राम प्रोटोटाइप सा बना लेते हैं ए, और लक्ष्मण गया पी पॉइंट तक, और यहाँ पे आफ्टर रीचिंग ए हाइट एक्स एट पॉइंट पी, एट एक्स पॉइंट पी तक पहुंचा, ही स्पॉट ए लॉरी पार्कड एट बी, एक लॉरी है वो यहाँ पे है बी पॉइंट पे है, ठीक है। ही लॉरी पार्कड एट बी ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से बन रहा है और कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। पहले छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं हमें आइडिया क्लियर। द बैलून राइजेस फर्दर बाय 50 मीटर, और यहां से जो बैलून है, बैलून बढ़ के कितना ऊपर चला गया, 50 मीटर, तो 50 मीटर ऊपर चला गया ये। जब ये 50 मीटर ऊपर गया उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो ये तो फिर आपका 30 हो गया ना, तो इसको छोड़ देते हैं, ये 30 डिग्री हो गया, इधर से इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 50 मीटर ऊपर जाने पे अब नाउ द ही स्पॉट द सेम लॉरी एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, अब कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है, 45 डिग्री। अब यहां से ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का ये 45 हो जाएगा। उसके बाद एंड ए कार पार्कड एट सी, एक कार है वो सी पॉइंट पे पार्कड है, थोड़ा आगे एक और कार है वो सी पॉइंट पे है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 30 डिग्री, अब कितना दिया है 30 डिग्री, किसका ये वाले का, अब इसका है 30 डिग्री। तो ये एक मोटा मोटी आपकी फिगर है, ठीक है। तो ये चीजें आपको दी हुई हैं, ठीक है। ये रहा ना आपके पास 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो ये मैं इस चीज को इधर ले आता हूं, ठीक है। एक मैंने प्रोटोटाइप सब बना के रख लिया, कॉपी करके यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट, ठीक है, ताकि मैंने इसको यहां पे रख दिया, ठीक है, मेरे को डायग्राम बनाने में इजी रहे, क्लियर। तो ये हो गया आपका डायग्राम। तो ये जो जो पूछता है वो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ एक्स ऑफ ए बैलून एट पॉइंट पी एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो वो पहले पूछ रहा है कि पहले ये पॉइंट है, ये यहां से यहां तक, ठीक है। मैं इसकी डायग्राम अब एक अच्छी तरह से एक डायग्राम बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। शेप में जाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, एक यहां से यहां, क्लियर, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, कह रहा है ये पॉइंट ऐसे है ए से बी की तरफ, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है आपके पास पी, क्लियर। तो और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये कितना डिग्री हो गया, ये आपको दिया हुआ है, ये 30 डिग्री का एंगल है, और उसके बाद जब राइज करके गया आगे ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ कितना राइज किया, यहां से ये आगे गया ऊपर, और ये एंगल अब कितना हो गया आपका 45 डिग्री, कितने डिग्री हो गया बेटे, यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है ये अब कितना हो गया आपका 45 डिग्री हो गया, क्लियर। तो ये दिया हुआ है आपको ए पी, और जब ये कितना ऊपर उड़ गया 50 मीटर ऊपर उड़ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ आपको, ये पॉइंट आगे दिया हुआ सी तक, तो इसको आगे लेके गए, ये कह रहा है एक लॉरी है वो सी पॉइंट पे है, तो हम सी पॉइंट तक आ गए, तो यहां से भी एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है जो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है।
तो ये कुछ कुछ दिया हुआ है। और अब क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट, ये एक्स हाइट ठीक है, और ये, और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस डी, डिस्टेंस क्या है डी, किसके बीच में, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। अब निकाल दो। अब आपको पता है अगर आप इस ट्रायंगल की बात की करोगे ठीक है, इस ट्रायंगल की अगर हाइलाइटर तो है नहीं हमारे पास, ये चीज़ है, ये कोई नई चीज़ है, देखते हैं, नहीं ये कोई चीज़ नहीं है, हमें इसी से पता करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगी ये चीज़, ये है आपके पास ट्रायंगल, ये वाला ठीक है, ये यहाँ से ये चीज़ ठीक है। तो अगर इसमें आप देखोगे तो आपके पास ट्रायंगल क्या है, ए बी पी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, टेन थर्टी, और ये टेन थर्टी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपके सामने ये रहा एक्स, डिस्टेंस क्या है डी, ये क्या होता है 1/√3 एक्स डी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी की वैल्यू क्या आएगी, √3 x, देख लो डी इक्वल टू √3 x है कहीं पे, तो डी इक्वल टू √3 x, रूट वाला तो ऑप्शन नहीं है, फिर स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या जाएगा, डी का स्केयर हो जाएगा, रूट का जब स्केयर करोगे, इस रूट का जब स्केयर करोगे ये क्या जाएगा, 3 x स्केयर। अब मिला डी स्केयर इज इक्वल टू 3 x स्केयर, डी स्केयर इज इक्वल टू 3 x स्केयर, ये ऑप्शन हो गया इसका। अब कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन व्हेन बैलून राइजेज फर्दर बाय 50 मीटर। अब बैलून अगर फर्दर 50 मीटर राइज हो गया तो यही है डायग्राम, तो ए बी यहाँ पे कौन सा था पॉइंट, क्यू, यहाँ पे कौन सा था हमारे पास पॉइंट, क्यू था ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्यू पॉइंट। कह रहा है व्हाट इज द, अब ये इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ठीक है, तो यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने इसको, क्लियर। कह रहा है व्हाट इज द फर्दर देन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यू हाइट वाई, नई हाइट वाई का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस वाई मान लिया मैंने, और वाई और डी के बीच में अब मेरे को रिलेशन बताना है ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक बड़ी ट्रायंगल उठाएंगे, आपको दिखाते हैं फिर से बड़ी ट्रायंगल। तो अगर आप देखो बड़ी ट्रायंगल ये वाली की बात कर रहा है वो ठीक है, ये चीज की अगर आपको समझ आया तो ठीक है। अब इसका जो हमें रिलेशन निकालना है, अब हमारे पास क्या होता है, 10 45, क्या है 10 45, तो ट्रायंगल आपको दिख ही रहा होगा, मैंने बना दिया वैसे, ए बी क्यू, ए बी और क्यू ठीक है, तो 10 45 क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया वाई बाय डी ठीक है, और यहाँ 10 45 की वैल्यू 1, तो वाई इज इक्वल टू डी, कोई ऑप्शन है तो वो टिक लगा देना, नहीं है तो रहने देना, वाई इक्वल टू डी है, यस है, ये रहा ऑप्शन आपका ठीक है। अब रिलेशन निकालना है, वाई की वैल्यू डी के बराबर हो गई है हमारे पास ठीक है, यहाँ से इसको करते हैं कॉपी फिर ठीक है, क्योंकि अब स्पेस यहाँ पे फिल्ड हो गई है पास ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, ये यहाँ पे ठीक है, तो ये हो गई आपकी डायग्राम क्लियर। तो अब हमें निकालना है, दो हमने निकाल दिए केस स्टडी, तीसरा केस स्टडी पूछा है व्हाट इज द न्यू हाइट ऑफ द बैलून, न्यू हाइट ऑफ द बैलून एट पॉइंट क्यू, न्यू हाइट ऑफ द बैलून एट पॉइंट क्यू निकालना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू डी, वाई किसके इक्वल दिया हुआ है, डी के इक्वल दिया हुआ है, वाई वाई इज इक्वल टू डी है ना हमारे पास, अभी हम लोगों ने निकाला है। तो नई हाइट जो है उसके लिए पहले तुम्हें एक्स निकालना पड़ेगा, क्या निकालना, एक्स निकालना पड़ेगा, कोई डाउट, ऑप्शंस को चेक करो पहले कैसे दी हुई हैं, ये ऐसे दी हुई, व्हाट इज द न्यू हाइट एट पॉइंट क्यू, ये चीजें आपको दी हुई हैं, तो ये पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो वाई इक्वल टू डी है एक आपके पास, एक हमारे पास डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 x स्क्वेयर है। अगर आप इसकी बात करो 10 45, तो अगर ये 10 40, ये जो बड़ा वाला है ट्रायंगल आपके पास ए बी क्यू, ए बी क्यू जो ट्रायंगल है, अभी जो नीले ब्लू स्काई ब्लू से जो दिख रहा है ना, ए बी क्यू ट्रायंगल, ए बी क्यू ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है,
ए बी क्यूब ट्राइंगल दिख रहा है ना, इस ए बी क्यूब ट्राइंगल को हमारे पास ये ऑप्शन है, ये चीजें दो बनाई हुई है हमने, ठीक है। तो 10 45 एक चीज है, और हमारे पास ये 10 45 को अगर देखोगे ये ऐसे दिख रहा होगा आपके पास, ए बी और ये क्यू, और ये है हमारे पास अगर ओरिजिनली देखो तो 50 + x है, और यहाँ पे डी है, यही है। तो 10 45 इक्वल टू 50 + x, एक जो चीज ये भी है हमारे पास 50 + x/d, ठीक है। तो 10 45 की वैल्यू 1, तो डी इज इक्वल टू 50 + x, ये हो गया। पर जो हमें आंसर चाहिए, व्हाट इज द न्यू हाइट, न्यू हाइट जो है हमें x की वैल्यू किसी तरह निकालनी पड़ेगी। तो जो x है, x हमारे पास किसके इक्वल है, अभी हम लोगों ने निकाला था x हमारे पास, अगर देखो ध्यान से ये रहा, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो कि d इज इक्वल टू 50 + x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस x की जगह पे ये लिख सकता हूँ कि d/√3, d/√3, ठीक है। अब इसको एक साइड पे रख देते हैं, तो ये d - d√3/50, क्लियर। तो आपके पास d कॉमन हो गया एक तरह से, √3, ठीक है। अगर आप इसको कॉमन लेना चाहते हो पहली कॉमन ले लो, नहीं लेना चाहते, नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये √3 हो जाएगा, ये √3d हो जाएगा, ये माइनस का d/50। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, √3d माइनस का d/50 × √3, और d कॉमन हो गया √3 - 1, 50√3। डी की वैल्यू क्या आ गई, 50√3/√3 - 1। अब इसको रैशनलाइज कर दो, √3 + 1 से आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है समझना पड़ेगा, कहीं कहीं जगह पे √3 का स्क्वेयर कर दोगे, -1 का स्क्वेयर, रैशनलाइज किया, आपको पता है रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे 50√3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे को इसके साथ पहले 50√3 × √3, फिर इसी चीज को इसके साथ करना मल्टीप्लाई, तो 50√3। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 50√3, मतलब 50 × 3 बन जाएगा, प्लस ये क्या है 50√3, नीचे क्या बन गया आपके पास, √3 का स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 2 हो गया। अब 50 एक बार कॉमन लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, 3 + √3/2, ये कटिंग होके 25 आ गया। तो आंसर आपका आ गया 25 3 + √3। ये क्या आया हमारे पास, ये चीज क्या आ गई हमारे पास, ये मैंने क्या निकाला है, ये डी निकाला है, क्या निकाला है मैंने, ये डी निकाला है ना। तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 25√3 + 1, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ गई, 25√3 + 1, ठीक है। पर मुझे क्या निकालना है, और हमारे पास क्या था, वाई डी के इक्वल भी था, हमने ये देखा था वाई डी के इक्वल भी है, तो ये क्या है हमारा 25 3 + √3, यही आया ना डी का वैल्यू, और हमें पता है कि जो डी है हमारा किसके इक्वल है, वाई के भी इक्वल है, यही है इक्वल 25 3 + √3, यही हमने निकाला। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा सा ध्यान से समझना आपको, कह रहा है व्हाट इज द न्यू हाइट, न्यू हाइट कितनी होगी, तो आपके पास ये जो नई हाइट है वो कहां से कहां तक है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो नई हाइट ये यहां से वाई से लेके ये है ना, ये नई हाइट, तो हमने क्या निकाला, वाई इक्वल टू डी, तो अब डी वाई के इक्वल है, तो ये चीज आ गया, वाई की वैल्यू भी क्या आ गई, 25 3 + √3। ऐसा है कोई ऑप्शन, चेक करो, चेक करो कोई ऑप्शन है, 25 3 + √3, तो ये हो गया आपके पास 25 3 + √3। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी ऑन द ग्राउंड, देखो चीज वही है, फिर डी डी निकाला ना हमने, तो ये भी क्या आ जाएगा, 25 3 + √3, एक तरह दो क्वेश्चन एक साथ निकले हमारे। कह रहे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए सी ऑन द ग्राउंड, ए से लेके सी तक का आपको डिस्टेंस बताना है, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो फिर से हम लोग इसको लेते हैं, एक बार पेस्ट करते हैं, हमें ए से लेके सी तक का डिस्टेंस बताना है, और अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि इसकी वैल्यू क्या आई, 25 3 + √3,
ठीक है, तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस ये चीज हो गया, तो ये क्या होगा टेन थर्टी, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थर्टी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 25, 3 + √3 डिवाइडेड बाय ये चीज जो निकालना है कितना है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, टेन थर्टी की वैल्यू 1 / √3, ठीक है। तो 25 3 + √3 / ए से लेके सी, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई 25 √3 3 + √3। अब पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 25 √3 × 3, 25 75 √3 प्लस फिर √3 √3 75, 25 × 3 √3 √3 हो जाएगा 25 के साथ। अब ऐसा कोई ऑप्शन देखो तो ये क्या हो जाएगा 75 कॉमन हो गया, अंदर क्या रहेगा √3 + 1, ए से लेके सी तक की दूरी जो हो गई ये हो गई 75 √3 + 1। चेक करो फिर है ऑप्शन यस 75 1 + √3 ये हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन इसीलिए डिफिकल्ट मैंने डाला था क्योंकि इसमें तीन एंगल थे, तीन एंगल का भी आपको करना आना चाहिए। क्लियर, आगे देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फिर से दिया हुआ एक रेडियो टावर इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविजन, द टावर विल एक्ट आइदर एक्ट एज एंटीना इटसेल्फ और सपोर्ट वन और मोर एंटीना ऑन द स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग माइक्रोवेव डिशेज, दे आर अमंग द टॉलेस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर। ये तो बस एक आपको चीजें बताने के लिए, अभी ये चीज कैसे कैसे दिखती है, टू मेन टाइप गाइड एंड सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नीचे होता है इसका। ऑन ए सिमिलर कॉन्सेप्ट ए रेडियो स्टेशन टावर वॉज बिल्ट इन टू सेक्शन ए एंड बी, टावर इज सपोर्टेड बाय वायर, टावर को सपोर्ट करता है वायर, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द बेस ऑफ टावर, बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस का और इसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ये कितना है 36 है, कितना है 36 मीटर है। फ्रॉम पॉइंट ओ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेक्शन बी इज 30 डिग्री, यहां से इसका एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेक्शन ए, ए का कितना है आपका 45, ठीक है। तो एक सिंपल सी डायग्राम हम बना लेते हैं, क्या है ये इस तरह से है, पहले ए से है डिस्टेंस ए, फिर यहाँ पे टावर का ये बेस है बी और ये सी मान लेते हैं हम लोग, ये ओ, यहाँ से ये 36 है और इसका पहले एंगल है 30 डिग्री का और ऊपर से कितना डिग्री है 45 डिग्री, ये चीज हमें दिया हुआ और तो कुछ भी, ठीक है। जो ऊपर वाला रेडियो टावर हो जाएगा ना, ऊपर वाला रेडियो टावर हो जाएगा आपका, लिखा है इसने रेडियो टावर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग, तो इसको हम लोग उठा लेते हैं और तो कुछ दिया नहीं है इसने, है ना। कह रहे क्या बोल रहा है इसमें, कह रहे व्हाट इज द हाइट ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन बी की हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये अगर हम बनाएं, फिर से बनाते हैं हम लोग ऐसे बड़ी सी एक डायग्राम बना लेते हैं, ए यहाँ पे है, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट की दूरी इसके बेस से कितनी है 36 है, यहां से एक बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का और ऊपर से कितना बना रहा है 45 का, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन बी का कितना हाइट है ये निकालना, ये तो ये कौन से ट्रायंगल से हमें दिख रहा है, कौन से ट्रायंगल में दिखेगा, ये वाले में, इस ट्रायंगल में दिख रहा है आपको ये वाला, है ना, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, अब इसमें कौन सा लगेगा टेन वाला एंगल लगेगा, कौन सी ट्रायंगल है बी सी ओ, टेन ऑफ द एंगल कितने डिग्री है आपके पास 30 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर
ये फाइंड करना है बी से लेके सी, और ये नीचे 36, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप करोगे इसको तो 10:30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, बी से लेके सी तक 36। तो ये बी सी का वैल्यू क्या आ गया, 36/√3। तो √3 से √3 हो गया आपका रैशनलाइज। तो ये बी से लेके सी का वैल्यू क्या आ गया, 36√3/3। तो ये कट के क्या आ गया, 12। तो ये क्या आ गया, 12√3। देखो 12√3 है ऑप्शन में, तो 12√3 है वही होगा इसका आंसर। तो 12√3 पहला हमें मिल गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ सेक्शन ए, अब सेक्शन ए की हाइट निकालनी है, ठीक है। हाइट ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन ए की हाइट कितनी है, तो ये है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता है कि सेक्शन ए की हाइट, सेक्शन ए कहाँ से कहाँ तक है, पहले तो हमें बेस से निकालनी पड़ेगी। वैसे जो सेक्शन ए है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर कि ये यहां से यहां तक की ये हाइट होगी, ठीक है, मान लो एक तरफ मान लिया, तो उसका आंसर जो होगा, तो 10:45 लगाओगे, परपेंडिकुलर और बेस बराबर होता है, तो 36, तो 36 होना चाहिए। 36 तो ऑप्शन में ही नहीं है, किसी किसी भी ऑप्शन में आपके पास नहीं है ये, ठीक है। तो यहां से भी आप मतलब एक एस्टिमेशन लगाना है तो यहां से भी लगा सकते हो, ठीक है। सेक्शन ए की हाइट निकालनी है, तो हमें पता है ये ट्रायंगल स्टार्ट होगा, ये हाइट हमें निकालनी है, ठीक है, बी से सी तक। अब एच लिख लिया, इसको एक्स लिख लेते हैं, इसको वाई लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या लिख लिया, वाई लिख लिया। तो आप बड़ी ट्रायंगल जो आपको दिख रही है, बड़ी ट्रायंगल कौन सी दिख रही है, दिखी किसी को, अब दिखाता हूं मैं ये वाली, ये वाली हाइट, ठीक है। अगर इस हाइट की बात की जाए तो इसमें आपको एक चीज दिखने दिख रही होगी कि ये वाली जो ट्रायंगल है, एक बार मैं इसको ट्रायंगल को लिख दूं, ठीक है। ऐसे करते हैं, इसको उठाते हैं, यहां से शिफ्ट करते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमने आगे भी पढ़ना ही है। ठीक है, तो अगर बड़ी ट्रायंगल की बात की जाए, ए इसको इरेज करते हैं, ए सी ओ से, ठीक है। तो ये आपके पास टेन ऑफ द एंगल 45 डिग्री होगा, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर वाई हो गया, नीचे बेस क्या हो गया आपके पास, 36। तो 10:45 की वैल्यू क्या है, 1y = 36, तो y = 36, ठीक है। अगर y की वैल्यू 36 आ गई आपके पास, आगे आपको क्या करना, देखो y की वैल्यू हमारे पास है 36। अब ये यहां से यहां तक है, a से लेके c तक की जो दूरी है वो कितनी है आपके पास, 36 है। अब उसने b से लेके c तक की दूरी आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना निकाला है, 12√3। तो ये है आपके पास 12√3। तो ये यहां से यहां तक कितना बच जाएगा, 36 में से माइनस हो जाएगा क्या, ये वाला, ठीक है, ये होगा 12√3। 12 कॉमन हो जाएगा आपका, 12 अगर कॉमन हो गया अंदर क्या बचा, 12 3 से मल्टीप्लाई को 36 होगा, और ये 12√3 चेक करो, 12√3 12√3, ठीक है, ये हो गया। कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट सेक्शन ए, ओ से लेके ये ए तक की दूरी क्या होगी, 1√2 होता, 36√2 हो जाएगा। वैसे इसका आंसर मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे। तो ये क्या है आपके पास, ये चीज है, हाँ जी। तो अब वो पता है क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है, अगर मैं यहां पे दिखाऊं अगला पार्ट, अगला वो बोल रहा है ए सी ओ में ये वायर की आपको लेंथ निकालनी है, ये वाली, ठीक है। और ये एंगल यहाँ ये कितना दिया हुआ, 45 दिया हुआ, 45 नीचे कितना दिया हुआ है, 36, 36। ये तो अगर 45 पे क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं, ये 36 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने देखा था ये भी तो 36 ही है, वाई की दूरी क्या है, 36 है, ये भी क्या है, 36 है,
आप चाहे वो लगा लो, पाइथागोरस लगा लो, नहीं लगानी है तो आपको ये 36√2 आ जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस लगाना पाइथागोरस लगा लो, नहीं तो sin 45 लगा लो। sin 45 क्या होता है? P/H होता है, P/H। sin 45 1/√2, परपेंडिकुलर आपके पास है 36, परपेंडिकुलर कितना है? 36 है। और हाइपोटेन्यूस आपको निकालना है, तो हाइपोटेन्यूस क्या गया? 36√2। अगर ऐसे भी नहीं निकालना तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाओ तो भी खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 36√2। क्या हो गया इसका आंसर? 36√2, ठीक है। ये आपका हो गया तीसरे का आंसर। तीसरे का आंसर क्या है? 36√2। आगे क्या निकालना है? उसने क्या बोला? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम पॉइंट ओ टू द सेक्शन ऑफ द बी। अब इस ये दूरी निकालनी है, जो व्हाइट वाला है ना, ये व्हाइट वाली, व्हाइट पे मैंने अब ब्लू कर दिया, ये स्ट्रिप का आपको ये लेंथ निकालना है, ठीक है। तो छोटी ट्रायंगल उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से एक बार करते हैं यहाँ पे। अगर हमें ये लेंथ निकालनी है तो हम दूरी भी उस अकॉर्डिंग ले लेते हैं, बी से सी और ये ओ। ये कितना हमारे पास? 30 डिग्री एंगल है। और ये कितना है? 36 है हमारे पास। ये बी से लेके सी तक की दूरी क्या है? बी से लेके सी तक की दूरी हमारे पास 12√3, 12 × √3। बी से सी तक 12√3। अब ये क्या हो जाएगा? टेन थर्टी क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। 10/30 परपेंडिकुलर बाय बेस। 10/31/√3 परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना? 12√। बेस कितना? ओहो, ये क्या लगा दिया मैंने, ये तो सारा पता ही है हमें। हमें क्या निकालना? ये चीज निकालना अब। और ये क्या होगा? साइन का चाहे ले लो, ठीक है। sin 30, एक और तरीका आपको बताता हूँ इसके बाद। sin 30 पर P/H हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास? 12√3। 12√3। हाइपोटेन्यूस कितना फाइंड करना है आपको? sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 जो cos 60 की होती है, 1/2, 12√3। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या? 24√3। एक और तरीका क्या हो सकता है? आपको पता है 30 का जो एंगल होता है, जो 30 डिग्री का अगर एंगल है, तो यहाँ पे हमेशा √3 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे √3 का कितने टाइम हो गया? √3 की वैल्यू 36 के बराबर है यहाँ पे दी हुई। या ऐसे कर लो, 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 12√3। 1 की वैल्यू 12√3, तो 2 की वैल्यू 24√3। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? 24√3। 24√3 है हमारे पास। यस, कह रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू पॉइंट ओ। ये क्या पूछ लिया उसने? ये पूछा है वो सेम सिंपल सी बात, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा, अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा? 45। तो ये 45 है हमारे पास, 45 डिग्री है। खत्म, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, आपकी लास्ट केस स्टडी ये रही। हाँ जी, ये देखो, ईगल, ईगल के बारे में बात की गई है। ईगल लुक एट द रैट ऑन द गो एंड द ग्राउंड, ईगल डजेंट अटैक द रैट एट इट्स इनिशियल पोजिशन, ठीक है। ये ईगल है, ईगल भैया जी, ये है रैट, ये है रैट, दिख रहा होगा आपको रैट, RAT रैट। इट टेक्स इनटू अकाउंट द स्पीड ऑफ द रैट एंड द डायरेक्शन ऑफ इन विच रैट इज मूविंग। देख रहा है, समझ रहा है। आफ्टर एनालाइजिंग हाउ इट मे बी द गॉड गिफ्ट है, इसके बाद ईगल अटैक द रैट सच दैट इट मे सक्सेसफुली इन कैचिंग द रैट। सपोज एन ईगल इज सिटिंग ऑन द ट्री ऑफ हाइट 90 मीटर। एक ईगल है, ठीक है, यहां पे बना देते हैं डायग्राम। ईगल भैया जी बैठे हैं यहाँ पे और एक पेड़ के ऊपर बैठे हैं जिसकी हाइट है 90 मीटर, ठीक है जी, 90 मीटर की हाइट है। ऑब्जर्व ए रैट विद एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 45। यहाँ पे है रैट और इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, तो यहां से यहां तक खतरनाक तरीके के साथ, ये यहां से लेके यहां तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना है? 45 डिग्री। चलो जी, ठीक है, 45। अब उसके बाद एंड मूविंग
अवे फ्रॉम द ट्री विद सम स्पीड। ईगल है, ईगल भाग, रैट है, रैट भाग रहा है यहां से, ये रैट है, रैट यहां से भाग रहा है। एंड कैच द रैट इन 10 सेकेंड। ठीक है, ईगल स्टार्ट फ्लाइंग विद 30 डिग्री डाउनवर्ड। ये रैट यहां से यहां भागने शुरू हो गया, यहां पहुंच गया, ये सी पॉइंट मान लेते हैं। अब जो एंगल है, अब एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री। अब एंगल 30 डिग्री है, यहां से यहां तक कितने डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है, ईगल काट देते हैं यहां से, अब हम ए कर लेते हैं यहाँ पे, बी कर लेते हैं यहाँ पे, सी। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपके सामने एक डायग्राम मैंने बना दी। कह रहा है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द रैट। सिंपल सी बात है, आपके सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये यहां से लेके यहां से लेके यहां से एक ट्रायंगल हो गया। वो इनिशियली रैट कहां से कहां तक है बताना है आपको। ये है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो 10 45 आपको पता है, और पेंडिकुलर बाय बेस होता है, और पेंडिकुलर 90 है, बेस निकालना है। जो पी से लेके आर तक का डिस्टेंस है, 10 45 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो बी आर की वैल्यू वैसे भी याद रखोगे, जब भी 45 डिग्री दिया था तो राइज और रन बराबर होता है। 45 डिग्री दिया है तो ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, अगर ये एक्स है ये भी एक्स रहेगा, कब, जब ये 45 डिग्री रहता है। तो ये आप चीजें याद रखोगी, क्लियर, समझ गए मेरी बात। तो 90 है तो वही आंसर हो जाएगा, 90 है हमारे पास, यस है 90। ठीक है, 90। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रैट इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में रैट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो हमें यहां से लेके ये डिस्टेंस निकालना है, और ये कितना आ गया हमारे पास, 90 आ गया, क्लियर। तो अब हम देखेंगे, तो ट्रायंगल है आपके पास यहां से लेके नहीं, ये उठाते हैं, अब डिस्टेंस ये यहां से लेके यहां तक पूरा ट्रायंगल बड़ा, तो ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, ए बी सी, 10 30 इज इक्वल टू सामने वाला परपेंडिकुलर 90, बेस कितना है 90, ये डिस्टेंस निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, यही निकालना है, रेट ने कितना ट्रेवल किया, रेट ने ये डिस्टेंस है ये कितना ट्रेवल किया, ये निकाल, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय रेट इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तो चलो बात की बात है, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं 10 30। ठीक है, तो अब 10 सेकंड में उसने कहा था ना कैच रेट इन 10 सेकंड, तो यहां तक ही पहुंच पाया वो, तो 90 अपॉन 90 प्लस एक्स मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 10 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, 90 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करती 90 प्लस एक्स 90√3 हो गया, एक्स की वैल्यू 90√3 माइनस 90, एक्स की वैल्यू क्या है कि 90 कॉमन हो गया, अंदर क्या रहेगा √3 माइनस का 1। ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो वो टिक लगा दो, है कोई ऑप्शन 90√3 माइनस 1। कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईगल टू कैच द रैट। इसको करते हैं एक बार कॉपी, फिर कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया हमें ये बताना है। ठीक है, अब कुछ भी लगा दो, ऐसी चीज लो जिसमें ये आता हो और ये आता हो 30 डिग्री एंगल के साथ, ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेन्यूस, तो साइन का ले लोगे, साइन 30 पी बाय एच, साइन 30 कितना होता है कॉस 60 का आता, जो कॉस 60 होता है वही होता है साइन 30, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 हो गया, एच हाइपोटेन्यूस निकालना है। ठीक है, यही हुआ,
सामने टेन थर्टी, नहीं ये साइन थर्टी हो गया, तो साइन थर्टी सामने वाला पी और ये एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 180। चेक करो है एच की वैल्यू 180, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, इतना आ गया 180 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया 180। अब हमें एक और चीज पता लगी, एक्स का डिस्टेंस कितना आया था 90√3 − 1। एक्स का डिस्टेंस आ गया था हमारे पास 90√3 − 1 ब्रैकेट में। ठीक है, 90√3 − 1 कह रहा स्पीड ऑफ रेट बताओ, तो स्पीड ऑफ रेट बतानी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम तुम्हें दिया हुआ 10 सेकंड का टाइम दिया उसने, बोला ना यहाँ पे, ये देखो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो ये कैच रेट इन 10 सेकंड। तो 10 सेकंड का जो ये डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ने यहां से यहां तक भागा है, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस आपके सामने है कितना है 90√3 − 1, तो ये टाइम नीचे आ जाएगा, तो 10 से डिवाइड, तो 9√3 − 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ऐसा है ऑप्शन, तो वो टिक लगा दो, है हमारे पास ये रहा। ठीक है, अब एक और चीज पूछी हुई है उसने, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईगल, ईगल की स्पीड निकालनी है, पर इसने किलोमीटर पर आवर में सारी ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, तो इस इतने ईगल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला, ये यहां से यहां, फिर यहां पे पकड़ लिया उसने, तो ईगल का जो डिस्टेंस है, स्पीड इंटू टाइम लगाओगे, फिर ये 180 है, स्पीड निकालनी है, टाइम 10 सेकेंड है, स्पीड की वैल्यू क्या आ गई है 18 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए या तो वही लगाओ कॉन्सेप्ट, नहीं तो मल्टीप्लाई 18/5 अगर आपको आता है। ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, तो स्पीड 18, 1 किलोमीटर में 1 मीटर में 1/1000, ये हो गए, सेकंड 1/3600, ये हुआ 18 × 3600, ऊपर चढ़ेगा ये 1000 नीचे आएगा, ये कट के 2 18 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 18 × 18 324 होता है, 324/5, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 से नीचे कर दो, तो क्यों किया मैं बताता हूँ, पॉइंट लगाना इजी हो जाएगा मेरे को, 4 2 3 6 × 10, तो 64.8 किलोमीटर पर आ रहा हो गया। चेक करो कोई ऑप्शन है, 64.8 किलोमीटर पर आवर, ये रहा आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन, होप आप सभी को समझ आए होंगे, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद।